नमस्कार बच्चों, आज हम आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा पर आधारित सवालों को बताएंगे। तो संधारित्र में ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पर सवाल में दिया जा रहा है कि 100 माइक्रो फैरेड का एक संधारित्र है, तो संधारित्र की धारिता 100 माइक्रो फैरेड है और इसे 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। तो धारिता को सी से लिखते हैं और विभव जो होता है उसे भी से लिखते हैं। आप कह रहे हैं अगर प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दें, तो हम मान लेंगे प्लेटों के बीच की दूरी पहले डी थी, अब आधी कर देते हैं तो फिर दूरी हो जाएगी d/2। तो पहले दूरी डी थी तो d1 से मान ली, अब आधी कर देते हैं तो उसे हम d2 से मान लेंगे, तो d/2 हो जाती है। तब नया विभवांतर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब दूरी बदली जाती है तो विभवांतर बदलता है। तो पहले विभवांतर v1 था, मतलब 400 वोल्ट था, अब दूरी आधी करने से विभवांतर कितना हो जाएगा तो उसे हम v2 से मान लेंगे। साथ ही ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो ऊर्जा को u से लिखा जाता है। ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है तो हम डेल्टा u से लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि d का मान बदलने से v का मान कितना हो जाएगा। तो v और d में सीधा संबंध होता है, v बराबर e इनटू d से। तो v प्रोपोर्शनल d से फॉर्मूला अगर बनाए तो v1 बटे v2, और डी के लिए जब सीधा संबंध होता है तो यहाँ 1/2 आता है, तो यहाँ भी 1/2 आएगा। तो v1/v2 बराबर d1/d2। v1 की वैल्यू है 400 बटे में v2, d1 की वैल्यू d है और d2 की वैल्यू है d/2। यहाँ d से d कट जाएगा, 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2 से 400 काट देंगे तो 200 आ जाएगा, यानी v2 का मान आ जाएगा 200 वोल्ट। विभवांतर अगर नहीं भी पूछते तब भी हमें निकालना होता है, क्योंकि हमें पता है कि ऊर्जा में विभवांतर की जरूरत पड़ेगी और जब दूरी बदलना है तो वह बदलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब यहाँ जब दूरी बदल रहे हैं तो दूरी बदलने से धारिता भी बदलेगी, क्योंकि संधारित्र की धारिता दूरी पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धारिता कितनी हो जाएगी। तो सी और डी में उल्टा संबंध होता है, यानी सी प्रोपोर्शनल 1/d से। तो फॉर्मूला अगर बनाए तो सी के लिए आएगा c1/c2, उल्टा संबंध है तो डी के लिए आ जाएगा d2/d1। c1 की वैल्यू 100 है बटे में c2, d2 की वैल्यू d/2 है और d1 की वैल्यू d है। डी से डी कट जाएगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 200 माइक्रो फैरेड। अब हमें ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, अर्थात डेल्टा यू। तो परिवर्तन निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाला हटा देते हैं, तो हम मान लेंगे ऊर्जा पहले U1 थी, बाद में U2 हो जाती है। तो परिवर्तन के लिए U2 - U1। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है संधारित्र में संचित ऊर्जा का, हाफ सी बी स्क्वायर जब सी और भी दिया जाए। इसके अलावा भी होता है 1/2 Q2/C जब क्यू और सी दिया जाए, क्यू और भी दिया जाए तो हाफ क्यू भी होता है। तो यहाँ सी और भी दे रहा है इसलिए लगाएंगे हम हाफ सी बी स्क्वायर। U2 निकालना है तो संधारित्र की धारिता C2 और विभव V2 रखेंगे, और U1 के लिए धारिता C1 और विभव V1। 1/2 धारिता 200 माइक्रो फेरेड है तो फेरेड में बदल देंगे, और V2 का मान है यहाँ पे हमने निकाल लिया था 200, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1/2 C1 की वैल्यू 100 माइक्रो फेरेड है, फेरेड में बदलने के लिए 10^-6 का मल्टीपल करते हैं, और V1 की वैल्यू है यहाँ पर 400, भी स्क्वायर है तो 400 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 100 काटेंगे, 100 × 10^-6, 2 का स्क्वायर 4। अब 2 0 है, जब स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 से 100 काट देंगे, 50 × 10^-6, 4 का स्क्वायर 16, 2 0 है, स्क्वायर करेंगे 10^4। 100 का × 4 में कर देंगे तो 400 हो जाएगा, −6 में से 4 जाएंगे तो -2 बचेंगे। इसी तरह से 50 का × 16 में करेंगे 800 आएगा, −6 का × 4 में कर देंगे तो -2 आ जाएगा। 400 में से 800 जब घटाएंगे तो −400 आएगा, क्योंकि माइनस की बड़ी है और घात तो जो तुम लिख देते हैं। यदि इसे हम 2 0 को 10^2 लिख सकते हैं, तो 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 4, वो भी माइनस में आया है। तो माइनस में आने का मतलब है कि ऊर्जा में कमी हो रही है, और अगर यही मान प्लस में आता तो हम बता सकते थे ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो या तो −4 जूल लिख दो, या लिख सकते हैं 4 जूल की कमी हो रही है, और प्लस में अगर आ जाता तो हम बता देते इतने जूल ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से ऊर्जा में हम संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला लगाते हैं। दूरी बदले, परावैद्युतांक बदले, या फिर क्षेत्रफल बदले प्लेटों का, तो धारिता उसकी बदलती है, और परावैद्युतांक और दूरी बदलने से प्रभाव भी बदलता है। तो जो भी चीज यहाँ पे परिवर्तन करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि वो परिवर्तन करने से भी और सी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो जो भी परिवर्तन हो रहा होगा पहले हम वो परिवर्तन निकालने के बाद फिर हम ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे।